सियाहत यकीनन सुकून का अहम ज़रिया है। आप ज़हनी सुकून के लिए मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख करते हैं। अगर आप हकीकी मानों में दिली सुकून हासिल करना चाहते हैं तो गांछे का रुख कर लें, और गांछे में भी एक वादी ऐसी है जिसे सुकून की वादी कहा जाता है, वह है वादी सेलिंग। और इस वक्त मैं वादी सेलिंग स्पॉन्टक में मौजूद हूँ। यहाँ पर रिजॉर्ट्स हैं, यहाँ पर फ़िश फॉर्म हैं, और यहाँ पर मीडोज़ हैं, कैंपिंग एरियाज़ हैं। इसके अलावा सेलिंग में घूमने के कौन कौन से मकामात हैं, इस हवाले से हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है अली शाह साहब। जी अली शाह साहब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विज़िट किया हमारे रिज़ॉर्ट का। तो ये सेलिंग वैली है। सेलिंग वैली को जो है हमारे ज़िला गांछे में इसको हिस्टोरिकल विलेज कहते हैं, क्योंकि इसमें पुराने आसार बहुत है। सेलिंग पहले इसको सेथान शहर किया जाता था, कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पहले डोगरा राज में अदालत वगैरह यहाँ पे हो जाती थी राजाओं की। वो आगे सलीम ब्रिज से थोड़ा सा आगे मैदान है, वो गुर से सुरमो मछलू सलिंग वो एक थे। आज दरिया ने, सैलाब ने उर से को उधर छोड़ दिया, सुरमो को उधर छोड़ दिया, सलीम को इधर छोड़ दिया, मछलू को उधर छोड़ दिया, काफ़ी डिस्टेंस हुए। उससे पहले वो एक बड़ी शहर थी जिसको सेथांग नाम से वो कहा जाता था। उसके उस पर वहाँ पर एक राजा होता था। फिर उसके अभी राजा के एक महल, ये इस सलीम में एक महल है। वो महल वहाँ से बुर्त होके फिर यहाँ बनाया स्पांतोक के करीब। एक है यहाँ इधर, यहाँ हमारे रिजॉर्ट के बिल्कुल ऊपर, जो खरीडुंग के नाम से आज भी है, उनके आसार, उनके वो निशानात। उसके साथ बुधा राख, बुधा कारवी बनी हुई है उस फोर्ट के साथ। तो वहाँ से उसको बाद में वो कोई जंग हुई थी, जंग होके उसको नीचे गिरफ्तार करके लाए। वो एक लंबी हिस्ट्री है जो हमारे बल्ती लोक गीत में है खरीडोंस के नाम से। तो बाकी इधर इसके नीचे एक गोमाखर एक जगह है, वो शायद आपने भी विज़िट किया एक दफ़ा। वहाँ पर एक मस्जिद है जो चाचन के साथ साथ बनी है। तो बल्तिस्तान में यहाँ आप जहाँ भी देखें, जहाँ चश्मा है, जहाँ बुद्धिस आसार है, वहाँ मस्जिद है, क्योंकि बाद में मस्जिद वो मुस्लिम कन्वर्ट होके बुद्ध चिकन उन्होंने बुद्ध को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद कन्वर्ट किया है। वो मस्जिद आज भी है। और सलीम में दो जगह पे बहुत ही पुरानी अमीर कबीर सैयद अली हमदानी के दस्त मुबारक से बुनियाद रखी हुई दो मस्जिद है। एक आज भी है, एक गोमायर मोहल्ले का एक नाम से पुकारा जाते हैं वहाँ पर है, एक यहाँ गोमाखर में। और गाँव में जाएंगे तो आपको बहुत ही पुरानी, जो सैलाब यहाँ सैलाब आके सलीम तीन दफ़ा दरिया बुर्थ हो चुके हैं, फिर आबाद हो चुके हैं, फिर बुर्थ हुए हैं, फिर आबाद हुए हैं। अभी उस ज़माने के जो है मस्जिद, एक मस्जिद भी आज भी है जो पहले खानकाह के तौर पे इस्तेमाल करते थे, फिर अब छोटी पड़ गई, खानकाह मुतबादिल जगह पर बने, वो छोटी मोहल्ले की मस्जिद बन के अब भी है। एक दफ़ा आप ज़रूर उसका भी विज़िट करें। वहाँ एक नाशपाती का दर है जो 300 साल पुरानी, वो नाशपाती आज भी है। आप इंशाल्लाह टाइम मिलें तो कभी उसके भी आप विज़िट करें, आप लाइव दिखा दें। बाकी सलिंग यहाँ ज़िला गांछे में सलिंग को फूलों और फलों का मरकज़ कहा जाता है। यहाँ पे हर किस्म के फूल है और हर किस्म के फल है। जो फूलों में आपको मुख्तलिफ गुलाब आपको देखने को मिलेंगे, और फ्रूट्स में आपको यहाँ चेरी से लेकर, सबसे पहले यहाँ पे चेरी पकते हैं। चेरी दो तीन क्वालिटी के चेरीज हैं। चेरी के बाद फिर खुबानी पकना शुरू होते हैं। खुबानी यहाँ पे 17-18 अकसाम है। और खुबानी और चेरी तो खैर खुबानी इसके अभी शुरू हो रहे हैं, चेरी और शहतूत साथ साथ पकते हैं, फिर खुबानी, फिर सेब, फिर अंगूर, फिर नाशपाती, फिर बादाम, अखरोट, सब कुछ है यहाँ पर। तो एक दफ़ा मेरा रिक्वेस्ट है तमाम विजिटर्स से, पाकिस्तानी, इंटरनेशनल, जो जो भी सामीन देख रहे हैं,
आप एक दफ़ा सेलिंग वैली के आप ज़रूर विज़िट करें। और स्पेशली ये सेलिंग्स पॉइंट फेमस टूरिस्ट पॉइंट है और फेमस कैंपिंग प्लेस है। यहाँ पे जब लोग एक दफ़ा कैंपिंग करते हैं तो बार बार आने को ज़रूर दिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेडोज़ है, रियल कुदरती चश्मे हैं, पहाड़ हैं, और साथ साथ यहाँ पे फिश फार्म बनी हुई हैं, एक हिडन शुमिक रिजॉर्ट जो 1988 से है। 1988 में एक छोटा सा होटल था, आज उसको इन्वाइट करके बड़े लेवल पे आ गए हैं। दुनिया की टूरिस्ट यहाँ पे आ जाते हैं और लाइव फिशिंग है, खुद फिशिंग करते हैं, खुद यहाँ पे पका लेते हैं, बड़ी इंजॉय करते हैं। यहाँ पे रूम है और मुख्तलिफ इन्वायरमेंट है आप लोगों के लिए देखने के लिए। एक दफ़ा आएंगे तो शायद मैं यकीन से कह सकता हूँ दोबारा ज़रूर आ जाएंगे। तो आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा ज़रूर आप देखने आ जाएँ, इस हिस्टोरिकल विलेज को कभी मिस नहीं करें।